प्रधानमंत्री आवास योजना हेल्पलाइन नंबर। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का जिस किसी व्यक्ति को लाभ नहीं मिला है तो वह लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, आप उस नंबर से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आप प्रधानमंत्री योजना का लाभ ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना हेल्पलाइन नंबर, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर भी इस वीडियो में दे दूंगा, तभी आप हेल्पलाइन नंबर लगा के आप बात कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना हेल्पलाइन नंबर, प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के लिए है, तो दोस्तों उन लोगों के लिए है चलाई गई है योजना। तो दोस्तों उन लोगों के लिए योजना चलाई गई है जिस किसी व्यक्ति को आवास नहीं मिला है, आवास मिलने लायक है, उसका मकान टूटा फूटा है और उस व्यक्ति को आवास नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और फुल नॉलेज मिलेगी। तो आवास योजना उन लोगों तक चलाई गई है जो योजना के जिन लोगों को अपना खुद का घर का नहीं, खुद का घर उन लोगों के पास नहीं है, तो जो लोग कच्चे मकानों या वह झोपड़ी में निवास करते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग कच्चे मकान या झोपड़ी में निवास करते हैं। तो आवास योजना पुरानी योजना है, पहले से इंदिरा आवास योजना था। तो दोस्तों आवास योजना काफ़ी पुरानी है, पहले इसका नाम था इंदिरा योजना, तो लेकिन बाद इस प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया है जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा की गई है। पीएम आवास योजना का लक्ष्य है कि 2020 तक सभी लोगों के पास अपना खुद का घर होगा। तो 2022 तक सभी लोगों के पास अपना खुद का घर होगा। तो कई बारे में ना प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे भारत में लागू हुई पड़ी है। तो दोस्तों कई देशों में पूरे भारत में योजना प्रधानमंत्री योजना लागू कर दी गई है और काफ़ी लोगों को लाभ मिल चुका है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना दो तरह की होती है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना दो तरह की होती है, ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना दो तरीके की, दो ऑप्शन में आती है, तो ग्रामीण आवास योजना शहरी आवास योजना। तो दोनों योजना को लाभ भी सरकार अलग अलग देती है। तो शहरी आवास योजना 2.47 लाख रुपये और ग्रामीण आवास योजना को 1,67,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सर्वे किया जाता है कि अगर आप पात्र या पाए जाते हैं आपको आवास योजना की सूची में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों आप पात्र पाए जाते हैं तो आवास योजना की सूची में डाल दिया जाएगा। दोस्तों हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके पास खुद का घर हो। तो दोस्तों आज के दौर में हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा खुद का मकान हो। हर किसी व्यक्ति को ये पसंद नहीं कि मेरी झोपड़ी हो या टूटा फूटा मकान हो, हर व्यक्ति को यही चाहता है कि मेरा अच्छा मकान हो और पक्का मकान हो। तो घर ही खुद का पक्की छत जिसके वो आसानी से कर पाएगा। तो दोस्तों घर की पक्की छत वो अपने आसान तरीके से कर पाएगा, ये बातों का कर ले नियम। तो ये बात उन लोगों को पूछ जो लोग झुग्गी और झोपड़ी या मिट्टी के कच्चे मकानों पर लीपे हुए मकानों पर रह रहे हैं। लेकिन अब सरकार उन सभी को सपना सरकार स्वीकार करने जा रही है, लेकिन आवास योजना की पूरी जानकारी ऐसे लोगों को नहीं हो पाती है जो सरकार आवास योजना के कॉन्टैक्ट नंबर पर साइड पर दिए गए हैं। तो हम बता दें कि हेल्पलाइन नंबर यानी टोल फ्री नंबर है। तो दोस्तों हेल्पलाइन नंबर और टोल फ्री नंबर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने तरह के लोन मिलते हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितनी तरीका के लोन मिलते हैं। पीएम किसान योजना नई लिस्ट 2020 की, तो पीएम किसान योजना नई लिस्ट 2020 की हर तरीके आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से बात कर सकते हैं और ये हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल फ्री आपकी कॉल लगेगी। तो आपको नंबर बता रहा हूँ 1800-11-64-46, तो 1800-11-64-46। तो दोस्तों ये नंबर है राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर। तो आपको फिर से बता रहा हूँ 1800-11-64-46। तो दोस्तों इस नंबर पे लगाएं और आपकी फुल परेशानी सॉल्व होगी। तो दोस्तों आपने मुझे कीमती समय